Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Hello guys, आज जो है मेरा बर्थडे है और गिफ्ट भी बुलबुल से मिल चुका है हमको और मैं आपको बताता हूँ कि बुलबुल क्या करें। ये नाउ यू सी नाउ वो तैयार हो रही है, अपने बालों को कर्ल कर रही है एंड बहुत टाइम के बाद अपने बर्थडे के बाद मुझे लग रहा है मैं आज इसको यूज कर रही हूँ। हाँ करेक्ट, सो दिस इज गुड। चलो भाई जल्दी, देर हो रही है। हाँ अच्छा लग रहा है, गुड। चलो भाई जल्दी, क्या क्या तैयार हो गई हूँ। आज हेयर स्टाइल मैंने थोड़ा सा बालों को कर्ल किया है। ठीक है, दैट्स ओके। चले। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है वर्मा जी का बर्थडे और मैंने सुबह से ऐसे ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किया है। हम लोग निकल रहे हैं कहीं जाने के लिए, तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। आज बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। लाइट्स ऑफ कर देती हूँ जो एक्स्ट्रा लाइट्स जल रही हैं। अच्छा, जब तक हम लोग जाते हैं तब तक आप जो मैंने सुबह थोड़ा बहुत बनाया है डिनर का वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए और फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो ये मैंने बनाया है वर्मा जी के पसंद का गाजर का हलवा और मैंने प्लेट लगा दी है। चलिए मैं उनको खिलाती हूँ और फिर से विश करते हैं हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। गाजर का हलवा लीजिए, निकालिए। क्या बात है यार, आपके लिए देखो मैंने कब घिसा कब बनाया आपको पता भी नहीं होगा। हाँ यार, मतलब लिटरली भी नहीं पता। ये सिर्फ एक गाजर का हलवा मैंने फटाफट बनाया है। अरे यार गजब है, आपके लिए। वाह बुलबुल, वाह। बर्थडे बॉय के लिए। थैंक यू, थैंक यू। एक गाजर का, सिर्फ एक गाजर का, ये बड़ी वाली गाजर जो कल लेके आए थे हम। कैसा है बताइए। मैं बहुत अच्छा है। स्वीट तो ठीक है, बहुत ही अच्छा है। ज्यादा मीठा तो मैंने बनाया नहीं। यू को भी पसंद है, उसको भी देते हैं। तो ये है आज का बर्थडे स्पेशल लंच जो कि मैंने बनाया है। यहाँ पे है छोले, रायता है बथुए का, साथ में हरी चटनी, सैलेड एंड रागी की रोटी, और इधर है मेरा राइस जो कि बन चुका है। राइस अभी निकाला नहीं है, गरम गरम दूंगी। चलिए वर्मा जी को खाना देते हैं, सर्व करते हैं बर्थडे स्पेशल। तो खाना कैसा बना है? बर्थडे स्पेशल लंच है ये। क्या क्या है मैंने दिखा दिया है वैसे तो थाली पे। छोले हैं आपके फेवरेट, रायता है बथुए का। कैसा बना है बथुए का रायता? सही है। और राइस भी है, वो मैं लाती हूँ। सो गाइस, बस आफ्टरनून में मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया था और हम लोग घर से निकल रहे हैं जाने के लिए। आज का जो सेलिब्रेशन है, नाइट सेलिब्रेशन, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही कुछ स्पेशल होने वाला है। मतलब लिटरली मैं सोच ही रही थी कि ऐसा हो जाए और वैसा हो गया। सो वो क्या है वो आगे आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज, हम लोग निकल चुके हैं डिनर के लिए। वर्मा जी हमें बाहर ले जा रहे हैं। सो पूरे में ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the तो गाइज, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम लोग फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, ये पूरा यहाँ पे जैम पैक है। ये देखिए सब लोग बस यूं ही खड़े हुए हैं और हम लोग भी ऐसे खड़े हैं। क्यों? आज पीयू डैडी का क्या है? बर्थडे बॉय। डैडी बर्थडे बॉय है ना? ओह डैडी, कैसा लग रहा है आज आपको? हाँ यार बहुत अच्छा। नींद फिर हर समय नींद आती रहती है आपको? रात में भी नींद आ रही थी? रात में 12 बजे फिर आ रही है नींद। हाँ? देखो भाई देखो, सोते सोते 12 बज गए थे। हाँ फिर पीछे हो गया था कैमरा मेरे से, फिर ऑफिस का काम चल गया और मैंने देखो यहाँ पे थोड़ा सा नेल आर्ट करने की कोशिश करी थी, फिर मैंने छोड़ दिया एक ही फिंगर पे। तो चलो पहुँचते हैं फिर दिखाते हैं।
सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं नोवोटेल होटल। यहाँ पे जुहू में नोवोटेल है, काफ़ी अच्छा होटल है। यहाँ पे आज हम लोग डिनर के लिए आए हैं, बुफे डिनर है। और मेरी तरफ से ही आप समझ लीजिए, वर्मा जी को आज मैंने ट्रीट दे दी है, बर्थडे स्पेशल डिनर, थोड़ा सा उनको स्पेशल फील कराने के लिए। सो ये देखिए यहाँ का ये एंट्रेंस है, और यहाँ पे हमारी गाड़ी जो है पार्क होने के लिए चली गई है। और मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी पीहू और पीहू के डैडी के, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे रील्स भी बनाए हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं। सुनो पहले उन्हें बोल लेते हैं क्या दैट वी आर हियर, कार्ड दिखा दूँ। तो हम लोग आ गए हैं नोवोटेल, आज का डिनर हमारा नोवोटेल में होने वाला है। वर्मा जी को पार्टी मैं दे रही हूँ, वर्मा जी मुझे दे रहे हैं भाई। कार्ड तो आ गई है यहाँ का, हाँ। देखो तो, क्रेडिट कार्ड मेरा है बट यहाँ का जो मेंबरशिप कार्ड है वो मैडम का है। तो चलो फिर करते हैं आज का डिनर नोवोटेल के नाम। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. You what? स्विमिंग पूल आपको पसंद आया? तो गाइज़ यहाँ पे डैडी और बेटी की बातें चल रही थी, और मैं इसलिए आवाज़ मैंने बंद कर दिया, कॉपीराइट आ रहा था, पीछे सॉन्ग्स चल रहे थे। तो पीहू यहाँ बता रही थी कि मुझे स्विमिंग पूल बहुत अच्छा लग रहा है, तो पीहू के डैडी ने कहा चलो मैं आपको समुद्र भी दिखाता हूँ सामने से, आज आपको ऊपर से दिखाता हूँ। सो चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ, यहाँ से बहुत अच्छा सी व्यू आता है। सो कभी आप लोग अगर यहाँ आए हैं तो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं आए हैं मुंबई घूमने आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ पर विज़िट करिएगा। काफ़ी अच्छा प्लेस है और बहुत अच्छा लगता है, दिन टाइम में भी बहुत अच्छा लगता है, और रात में तो आप व्यू देख ही रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से, और बहुत ही पीसफुल है। म्यूज़िक चल रहा है लाइट लाइट सा, और समुद्र है साथ में, आप अपने फैमिली के साथ हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। इधर देखो बुलबुल, हम लोग उस समुद्र का नज़ारा जो है वो यहाँ से ले रहे हैं। दरअसल में मम्मी पापा आए थे तो उन्हें भी लेके आया था मैं, हाँ। तो यहाँ पे वर्मा जी आपको बता रहे थे कि हम लोग अपने मम्मी पापा को यहाँ पे ले आ चुके हैं, घुमा चुके हैं। तो मैं आपको बता रही थी, हाँ हम लोग लास्ट टाइम जब पहले भी हम लोग यहाँ रहते थे ना, पहले जब पनवेल में रहने लगे थे उसके पहले भी हम लोग अंधेरी में ही रहते थे। सो यहाँ पे हम लोग काफ़ी आते जाते रहते थे, तो मम्मी पापा आए थे उनको भी घुमाया था हमने यहाँ पर। वही यहाँ पर वर्मा जी आप लोग को दिखा रहे हैं, और पीछे दिखा रहे हैं कि यहाँ पर रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमारा डिनर होने वाला है। सो इस मैंने आवाज़ तो बंद ही कर दी है क्योंकि कॉपीराइट आ रहा था इसीलिए, और आप लोग अब देख तो लिए ही हैं कैसा है यहाँ का व्यू। व्यू कैसा लग रहा है? I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for. ये ऊपर जो है कोई पार्टी हॉल है, वहाँ है हमारे खाने की व्यवस्था। ये यहाँ पे जो है वो खाने की व्यवस्था है भाई हमारे। ये वहाँ पे
जा रहे हैं डिनर के लिए, अपने फोटोज़ क्लिक करें और मैंने यहाँ पे रील्स भी बनाए हैं, सो इंस्टाग्राम ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो अभी हम लोगों ने काफ़ी घूम लिया है बाहर, फ़ोटोज़ क्लिक कराए, रील्स बनाए, उसके बाद फिर अब हम लोग आ गए हैं अपनी पेट पूजा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, डिनर एंजॉय करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या डिश है खाने के लिए। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. I'll let... इधर सारा नॉन वेज है एंड यहाँ पे है दही बड़े। देखिए ये लेडीज़ की सबसे पसंदीदा चीज़ है जो आ गई है, गोलगप्पे। लेकिन ये बना के नहीं खिलाते, ऐसे दे देते हैं ना। तो यहाँ पे वर्मा जी की प्लेट लग गई है डिनर की। अब यहाँ पे डिनर होने जा रहा है। पनीर है, ये वेजिटेरियन लसाना, पता नहीं क्या कुछ नाम था, मैक्सिकन शायद जो भी है, बट ये है शाकाहारी। ये दाल मखनी है और यहाँ पे बर्थडे बॉय है। हाँ तो अब मैं जा रही हूँ अपनी प्लेट लेने के लिए और बीहू मेरे से ही थोड़ा बहुत खाएगी, वो तो बाहर का खाती ही नहीं है। मैं लेके आती हूँ, ओके। चलो फिर लेके आती हूँ। तो ये है स्वीट डिश की प्लेट जिसमें है गाजर हलवा, चॉकलेट पुडिंग और ये क्या भी है क्या उनके पास? यस रियली। तो गाइज आपने नोटिस किया यहाँ पे गीता माँ बैठी हुई हैं, वो अभी जस्ट आई हैं डिनर के लिए और मैं अभी सोच ही रही थी कि कोई सेलिब्रिटी हमें मिल जाए जो हम आपको दिखा सकें। सो फाइनली हमें यहाँ पे गीता माँ मिल गई हैं और हम लोग यहाँ पे उनसे बात करने के लिए आए हैं। गीता माँ नमस्ते, नमस्ते बोलो। हम साथ में कम वीडियो ले रही हूँ। तो गाइज़ गीता माँ ने बहुत अच्छे से हम लोगों से बात करी, पीहू को प्यार किया, उससे बहुत अच्छे से बात किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने खड़े होकर बातें की, फ़ोटोज़ क्लिक कराए, सो वही मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मैं सोच ही रही थी यहाँ पे, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, जो सोचो वो पूरा हो जाता है, भगवान वो पूरा कर देते हैं। तो मैं सोच रही थी आज मैंने कुछ और भी मांगा होता तो शायद मेरी वो विश भी पूरी हो जाती। ये हमारी कार है जो कि आ रही है, वैले पार्किंग में गई। ये देखिए पार्किंग में गई थी तो आ गई। पीयू कैसा लगा? अच्छा लगा। सो चलिए चलते हैं घर। क्या अच्छा लगा? हाउ वाज द इवनिंग? या ऑसम ऑसम, मजा आया। पीयू पीयू इधर आओ। पीयू ने तो बता दिया, साइड हटो बेटा।
व्यू ने बता दिया, उसे बहुत अच्छा कैसा लगा आपको? गीता माँ मिल गई, गीता माँ के साथ हमने फोटोज क्लिक कराए, और ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं वो नहीं है, मैंने कहा नहीं नहीं ये गीता माँ ही है। एक्चुअली उन्होंने बालों को बन बना रखा था ना, तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा था इनको, मुझे तो तुरंत समझ में आ गया था। चलो चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। गेट नंबर टू देखो वो आगे सन एंड सैंड है। हाँ हाँ हम जा चुके हैं सन एंड सैंड में। ये ही है शायद सन एंड सैंड, ये इधर वाला ही है। काफी अच्छा है ये भी ना। गेट नंबर टू से बेटा निकलने का है, एग्जिट है। सन एंड सैंड भी हम आपको कभी लेके चलेंगे। पहले गए थे हम लोग जब मैं नहीं करती थी तब मैं सन एंड, मतलब हम लोग जा चुके हैं सन एंड सैंड में। तो ये है नोवोटेल, ये है इसका फ्रंट एरिया और सामने है जुहू बीच। मुझे पता है एक बार ना यहाँ से मैं एक बार निकली थी, जुहू बीच हम लोग गए थे और यहाँ किसी होटल से ना वो निकली थी प्रियंका चोपड़ा, तो मुझे प्रियंका चोपड़ा, हाँ हाँ अपार्टमेंट में किसी का बर्थडे पार्टी था वहां से निकली थी। ये वाला, ये जो गेट लगा है ना श्री स्टार, यहाँ से निकली थी वो, और सामने है बिल्कुल जुहू बीच। तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, बीच हम लोग गए नहीं हैं क्योंकि अंधेरा है काफी और वहाँ जाके अभी कुछ फायदा नहीं है। सो ये है यहाँ पे नोवोटेल, ये देखिए ये है यहाँ का एंट्रेंस जो कि आपको घुमा दिया हमने, और अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। ये सारे यहाँ पे पब्स हैं, मुंबई की नाइट लाइफ है ये मुंबई की। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पब्स हैं, पब्स नहीं है रेस्टोरेंट्स भी हैं। संजय हाउस, संजय प्लाजा, यानी कि ये संजय दत्त का घर था क्या? संजय दत्त का घर है कि नहीं मालूम है। तो संजय वो भी तो है ना अनिल कपूर के भाई संजय, उनका नाम है वहाँ संजय हाउस लिखा हुआ था, यानी कोई सेलिब्रिटी का ही घर रहा होगा। सो गाइस चलिए घर की तरफ चलते हैं और अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। आज का बर्थडे ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। कल वाले ब्लॉग को आपने पसंद किया उसके लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।